वालेकुम मैं इस ख़बर के साथ हाजिर हूँ के वज़र आज़म मियाँ शबाशिफ़ साहब की जेर सदारत खूस सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का अजलास हुआ और इस अजलास में चारों सूबों के वज्राय अला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सिविल और अस्क्री हुकाम ने शिरकत की और इसमें ये एक तस्वीर वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर और वो जो तस्वीर है उसके बड़े चर्चे सुनाई दे रही हैं के चारों सूबों के वज्रा अला साथ खड़े हैं वज़र अजम मियाँ शबाशिफ़ साहब हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा मुराद अली शाह सरफराज बुट्टी अली अमीन गंडापुर अब ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर इसके बड़े चर्चे सुनाई दे रहे हैं कि खूस सरमाकारी सहूलत कौंसिल की जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें तमाम सूबों ने वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलने का फ़ैसला किया है और ये भी फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के लिए हम सब एक होकर चलेंगे देखें ये जमूरीत के तसलसल के लिए उसके निज़ाम के लिए एक अहम संगे मील है कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ अपने इख्तलाफात को बलए ताक रखते हुए पाकिस्तान के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए एक होकर चलेंगी और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम सूबे जो हैं वो वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे वजर अज़म साहब ने खूस सरमाकारी सहूलत कौंसल की जो एपिक्स कमेटी है उसके इजलास में क्या बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की वो मैं आपके सामने रखूँगा वज़र अजम की जेर सदारत खूस सरमाकारी सहूलत कौंसल की अपिक्स कमेटी का अजलास हुआ इजलास में सिवल असक्री हुकाम ने शिरकत की आर्मी चीफ भी मौजूद थे अनवारक कड़ सबक निगरान वजेर अजम भी मौजूद थे वज़र अजम ने कहा कि एस आई एफ सी एक अहम प्लेटफ़ॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा इस एस आई एफ सी ने निगरानकूमत में भी मौसर काम किया माशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अहम है वज़र अजम ने कहा कि असक्री क्यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में गैर मामूली काम किया अक्षा जी ये बड़ी अच्छी बात की वज़र अजम साहब ने अब वजे अजम की जो जेर सदारत खूस सरमाकारी सहूलत कौंसिल की जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई और मोहतरमा मरीम नवाज़ जो वजर पंजाब हैं उन्होंने कहा कि हम हर तरह के ताबून के लिए तैयार हैं वजर अलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा कि हम पहले ही सिस्टम के साथ हम आहंग और मुकम्मल ताबन के लिए तैयार हैं वजी अल सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबों की सलाहत में इजाफ़े के लिए इकदाम किए जाएंगे अली अमीन गंडापुर वजीर अला के पी के ने कहा कि हम ताउन के लिए तैयार हैं सरमाकारी के लिए हमारा हिस्सा रखा जाए अब इस इजलास के अंदर वजी अज़म ने ये यकीन दिलाया तमाम सूबों को कि उनको तमाम जो है उनका हिस्सा दिया जाएगा उनके साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन होगी वफाक के साथ वो मुकम्मल रबते में होंगे और जो खसूस सरमायाकारी की जो एपिक्स कमेटी है उसकी जो सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का जो इजलास है ये दरअसल सर देखें पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान इन हालात में किसी लड़ाई का किसी जो है वो कॉन्ट्रवर्सी uh, का मुतहमल नहीं हो सकता जब सब एक होकर साथ चलना चाहते हैं और सब समझते हैं कि पाकिस्तान में जो सरमाकारी है उसके लिए सब को एक होना पड़ेगा जहां पर पाकिस्तान के लिए बात होगी जहां पर पाकिस्तान के हक में बात होगी वहां पर सब एक होकर चलेंगे और मुतफ़ होकर चलेंगे तो सब ने यह फ़ैसला किया है कि सब एक होकर चलेंगे वजे खैबर पख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं सर उन्होंने इजलास से एक दिन पहले खसूस सरमाकारी की सहूलत कौनसल का जो इजलास था उससे एक दिन पहले मौसू ने जो बातें की हैं मेरा तो सर शर्म से झुक गया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार ये बंदा ये उस तस्वीर में खड़ा हुआ है और पता नहीं किस मुँह के साथ वो बंदा खड़ा है और वो पता नहीं क्या मुँह लेकर उस इजलास में गया और अली अमीन गंडापुर साहब ने जी मरियम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा था कि अपनी हैसियत में रहो तुम्हारे पर पर्चा पर है तुम्हारे बाप के ऊपर पर्चा है जरदारी पर पर्चा है वारंट निकालूंगा तुम लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस को भेज दूंगा वफाक वाले अपनी हदूद में रहें मरियम को गिरफ़्तार करवाने के लिए पुलिस भेज दूंगा आपको याद है तेरह मार्च को जब अलीन गंडापुर की मुलाकात हुई थी वज़र आजम मियाँ शबाशिफ़ से तो उस मुलाकात में वजर अजम के सामने ये तजावीज़ रखी गई थी कि जो सूबे का हक है उनको दिया जाए और खैबर पखतूनख्वा जो है उसके हवाले से मौसर इकदाम किए जाएँ तो वजे अजम साहब जो हैं उनके सामने ये मुतालबा रखा गया था कि जो खैबर पख्तून का, का हक हाँ है वो उनको दिलवाया जाए सूबे का जो हक हाँ है वो उनको मिलना चाहिए तो वजिर अजम ने ये यकीन दहानी करवाई थी अली मीन गंडापुर को कि आपने किसी तरह भी परेशान नहीं होना जो आपके सूबे का हक हाँ है जो आपका हक हाँ है वह आपको मिलेगा उस मुलाकात में वफाकी वज्रा शामिल थे इंजीनियर अमीर मुकाम साहब थे उसमें एसन इकबाल साहब थे वजीर अजम मियाँ शबाजशिफ साहब थे और अली अमीन गंडापुर ने उस मुलाकात को बहुत खुश आइंद मुलाकात करार दिया था ठीक है अब ये जो सहूलत का जो एपिक्स कमेटी का इजलास है उससे एक दिन पहले उससे मुकम्मल एक दिन पहले ये जो मौसू ने बातें की हैं मरीम नवाज के बारे में कि तुम अपनी हदूद में रहो तुम्हारे बाप के ऊपर पर्चा तुम्हारे चाचे के ऊपर पर्चा तुम्हारे जो है वो वारंट निकलवा दूंगा तुम्हारे खिलाफ पुलिस को भेज दूंगा जरदारी जो है वो के पी के में नहीं आ सकता जरदारी का के पी के में को कोई जो है वो दाखिला बांधा मतलब सर इस किस्म की घटिया और गंदी जुबान इस्तेमाल की गई और अली अमीन गंडापुर साहब का वो आप उठा कर देखें वो जो वीडियो क्लिप है और वो जिसमें वो मौसू फरमा रहे हैं कि ख़बरदार अगर सिफारिश की मेरे पास आकर बात की जो सिफारिश करता है उसका सर जो है वो फाड़ दो ईंट मार दो उसके सर में मेरे पास किसी ने नहीं आना मतलब सर ये बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शल किस्म के उन्होंने बयान दिए और अब ये जो इजलास हुआ था इस इजलास के बाद अब वैसे मैं हैरान हूँ सर इन लोगों की जहनीत के ऊपर और उन लोगों के माइंडसेट के ऊपर कि कितना गंद भरा हुआ है इन लोगों के जहन के अंदर और अब मौसूफ जो है वो फरमा रहे थे वहाँ पर आई थिंक अदालत में पेशी के बाद वो फरमा रहे थे कि ये फॉर्म वाली हुकूमत है ये यह हुकूमत है शबाज़ शरीफ को कोई वज्रज़म नहीं मानता ये जली वजर अज़म है तो ये जो इस तरह के एहसान फरामोश हैं वो मौला अली का कोल है ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो तो सर अगर इनको इनके सूबे का हक़ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है वो मिलना चाहिए वो तो उनके सूबे का राइट है लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो एहसान फरामोश होता है ना वो मुश्किल वक्त में भी आपको डसता है वो अच्छे वक्त में भी आपकी अच्छाई को याद नहीं करता आप उसके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा चल लें आप उसके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा बर्ताव रखें जितना मर्ज़ी आप उसके साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर ताउन करें आप उसकी मुश्किल वक्त में मदद करें वो जो एहसान फरामोश होता है वो हमेशा एहसान फरामोशी जो है वो दिखाता है और वो हमेशा एहसान फरामोशी का मुजहरा करता है और वो बताता है कि वो कमजर्फ इंसान है तो दरअसल गंडापुर साहब जो है वो कमजर्फ इंसान है और उन्होंने साबित कर दी अपने माइंड को कि वो एक डर्टी माइंड रखते हैं एक गंदी जहनीत रखते हैं और पाकिस्तान के लिए अगर एक होने की बात हो रही थी तो सर इसमें सूबों की कोऑर्डिनेशन थी वफाक की कोऑर्डिनेशन थी अगर इन हालात में आपने चलना है तो फिर सॉरी टू से आप घर बैठें फिर आप अपने सूबे का हक हाँ अपने पास रखें कोई ज़रूरत नहीं है आपको वफाक के पास जाने की वफाक से जो आप पैसे मांग रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के लिए इतने अरब रुपये जो है वो मुख्त किए जाएँ और वही वफाक ने तो देने हैं वफाक ने तो मना नहीं किया लेकिन आपका जो रवैया है वो काबिल मजम्मत है काबिल अफसोस है दूसरी खबर ये है कि आपको पता है कि जिस यू लाहौर यूनिवर्सिटी जो है जिस यू गवर्नमेंट यू, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो लाहौर है उसकी एक वीडियो वायरल हुई है सर और जी यूनिवर्सिटी जिसका बहुत ज़्यादा मेरिट है टॉप की यूनिवर्सिटी है टॉप प्रायोरिटीज़ में आती है गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ की यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी की एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो क्लिप में एक जो लड़की है तलबा ठीक है एक लड़की क्या कर रही है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर तशद कर रही है एक लड़की स्टूडेंट जो है वो क्या कर रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर तशद कर रही है उसको मार रही है और यहाँ तक कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसकी ज़ुबान जो है वो भी दिखाया जा सकता है कि उसके ये हॉन्टों वाली साइड से उसका खून निकल रहा था वो मैंने वीडियो देखी कल रात को उस वीडियो के बड़े चर्चे थे सोशल मीडिया के ऊपर और मैं वीडियो क्लिप देख रहा था वो वीडियो क्लिप जब मैंने देखा जब वो मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो उस हवाले से मैंने कुछ लोगों से बातचीत की ठीक है जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं या जो इस तरह के सहाफ़ी होते हैं जो इन खबरों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो यह पता चला कि इस हवाले से जी यूनिवर्सिटी यू की जो इंतजामिया हैं, उन्होंने बताया कि जो लड़की है उसने चुके असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि इन्होंने मुझे हरास किया इन्होंने मुझे हरासा किया इन्होंने मेरे खिलाफ जो है ये ये जो ये जो इस तरह की हरकतें हैं इन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की है तो जिस पर मुझे तशद्द के ऊपर उकसाया गया और मैं तशद के ऊपर आई और मैंने उसके बाद इनको मारा और इनके ऊपर हाथ उठाया अब जो जी सी यू यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है उसका मौका सामने आया उन्होंने कहा कि जी हमने इस पर अला सतह की एक तहकीकती कमेटी तशकील दे दी है वो तहकीकती कमेटी जिम्मेदारान का तयन करेगी जो कसूरवार होगा उसको कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी अब इसके दो रुख हैं इस वीडियो के दो रुख हैं एक तो कहा जाता है कि जो लड़की है जिसने तशद्द किया जिसने असटेंट प्रोफेसर को मारा एक तो पहली बात यह है कि कहा जा रहा है कि या तो असिस्टेंट प्रोफेसर गलती पर थे क्या लग रहा था कि शायद वो गिल्टी हैं और उनको पता था कि यार जो उनकी गलती है इस पर अब वो कुछ नहीं कर सकते वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सके प्रॉपर तरीके से नहीं बोल सके क्योंकि उनके पास मौका नहीं था ये अपनी सफाई में पेश करने के लिए कुछ नहीं था अब दूसरा तस्वीर का रुख ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि लड़की भी गलत हो लड़की की भी मिस्टेक हो सकती है लड़की ने चूँकि जो तशद किया जिस तरह लड़की ने मारा ये कानून तो इसकी इजाज़त नहीं देता देखें कानून तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम सरकारी वर्दी वाले को सरकारी जो वर्दी में मलबूस पुलिस अफसरान होते हैं उनको हम वर्दी से नहीं पकड़ सकते ये वकील को इजाज़त नहीं है ये किसी इंसान को इजाज़त नहीं है और पुलिस को इजाज़त नहीं है कि वो किसी की तलाशी ले और किसी की तलाशी लेते हुए उसका मोबाइल खोल के उसका पासवर्ड खोल के देखे कि जी तुम्हारे मोबाइल में क्या है पुलिस को भी इजाजत नहीं है ठीक है कानून जो है वो सबके लिए इक्वल है तो आप यूनिवर्सिटी का जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके ऊपर अगर आप हाथ उठा रही हैं तो उसको भी आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास उस हवाले से क्या तमाम तरशवाहद मौजूद हैं या जो इल्जाम आपकी तरफ से उस असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर लगे हैं वो इल्जाम आपको साबित करने पड़ेंगे पहला तो पॉइंट ये है दूसरी बात ये कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर साहब सर गिल्टी पर हैं और अगर उनको पता है कि वो गलत हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल करने के बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और जो जिम्मेदारान है उनका तयन हो जाएगा तो उसके बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी लेकिन कानून हाथ में लेने की भी इजाज़त तो किसी को नहीं दी गई अगर एक लड़की अब एक प्रोफेसर के ऊपर तशद कर रही है तो उसका एक कानूनी तरीक़ाकार है और वो ये है कि आप कानून के मुताबिक चलें कानून क्या कहता है कि आप पुलिस के पास जाएं, आप वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं, आप यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के पास जाएं, आप उनको जाके कंप्लेंट करें आप यूनिवर्सिटी की जो एडमिन है यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया बैठी हुई है जो वहाँ के जी के वाइस चांसलर हैं उनके सामने दरख्वास दें लेकिन ये इस तरह से तशद्द करना आई डोंट नो मुझे नहीं पता इस तस्वीर के दो रुख जो हैं उसमें कौन सा रुख बेहतर है क्या प्रोफेसर साहब गलत हैं क्या लड़की गलत है इन दोनों में गिल्टी कौन है किसकी गलती है क्या लड़की जो है एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं लेकिन देखें सर मुशरे में औरत जो है उसको एक मुकाम हासिल है और औरत को माशरे की तमीर तरक्की में एक अहम किरदार समझा जाता है अब यहाँ पर चूँकि हमारी जो ह्यूमन राइट्स की जो है ये तनज़ीमें इंसानी हकूक़ की तनज़ीमें सिविल सोसाइटी उसके बाद दीगर जितनी भी जो हैं तनजीमें वो सब मुतहरक होती हैं इस पर एक्शन लिया जाता मोतरमा आसमां जहंगीर जो थी मरहूम वो बहुत इस हवाले से मुतरक थी और इंसानी हकूक़ की एक बड़ी सरकरदा रहनुमा समझी जाती थी उनको इंसानी हकूक़ का एक बहुत समझ लें कि सरकर्दा रहनुमा समझा जाता था और वो बड़ी दलेर और बड़ी दबंग खातून थी उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बड़ा काम किया उन्होंने खातन के हकूक़ के लिए बहुत काम किया उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया वो सबक़ सदर भी रहीं सुप्रीम कोर्ट बार की एक बड़ी प्रामिनेंट लॉयर थी तो इस तरह के सर जो वाकियात हैं मुआरे में उनकी रोकथाम के लिए कोई मौसर हकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है हमारी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है ब्राय इंसानी हकूक़ की सैनट की कायमा कमेटी है इंसानी हकूक की कौमी असम्बली की जो है वो नैशनल असम्बली और सैनेट की जो मिनिस्ट्री है फॉर ह्यूमन राइट्स जो इसकी कमेटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स की उसको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है ह्यूमन राइट्स की उसको इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सर ये याद रखें कि जस्टिस कादी फ़ाइज ईसा इस पर बड़ा ख़तरनाक फैसला दे सकते हैं और ये देख लीजिएगा अगर ये गिल्टी हुए ये असिस्टेंट प्रोफेसर तो फिर तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और अगर इस लड़की की गलती निकले या हो सकता है कि तस्वीर के जो दो रुख हैं उसमें से एक रुख गलत हो और अगर ये लड़की भी गल्टी हुई तो सर फिर आपको पता है फिर मामला क्या होगा इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा ये दो वाक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे एक खूसी जो है वो एपिक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी और एक ये जिस हुई वाक्य इन शे सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने बान